नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं एग्जाम सेंटर पर और आज 19 अप्रैल को अग्निवीर जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर सेंटर से बाहर आ गए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आज का पेपर का लेवल कैसा आया। एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें इनसे करने वाले हैं। हो गया भाई पेपर? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा हुआ? एक नंबर। माँ बहने कर दी पेपर की तो। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए? 45 हो गए आँख बंद करके। अच्छा, क्वेश्चन बताओ जीके जीएस से। जीएस बहुत बेसिक का भी बेसिक आया था। संतोष ट्रॉफी आई थी, एक संतोष ट्रॉफी। और क्या? और एक कालीबंगन कहाँ पर रहता है? राज्यपाल कौन है? और हड़प्पा सभ्यता से आया था। और घाटी कहाँ पर है? घाटी से आया था। वाराणसी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है फिलहाल? किस देश के साथ हुई है? मैथ में एलसीएम, मैथ का तो बहुत आसान था, बहुत आसान। चौथी पांचवी क्लास का था। रीजनिंग भी आसान थी, थोड़ी थी मतलब। कुल मिला के 15 मिनट में पेपर हो गया था पूरा। क्वेश्चन बता और बताओ जीके जीएस। जीके जीएस से कुछ मतलब कोडिंग से रिलेट आए थे, रीजनिंग में, कोड से। बायोलॉजी से आए होंगे ना? बायोलॉजी से आया था। उसमें पूछा था कि नहीं, प्लांट टिश्यू वगैरह नहीं होते, इनमें से आ गया था एक आध। और केमिकल चेंजिंग वाला आया था, केमिकल चेंजिंग कौन सी है। और एक आया था फीमेल से रिलेटेड, कौन सा पार्ट है उसका, वो आया था। रिप्रोडक्शन वाला पॉलिटिक्स से आया, वो पॉलिटिक्स से आया था। वो अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 कौन सा है? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल फरवरी में किसको बनाया गया है? फर्स्ट प्रेसिडेंट लोकसभा का कौन है? कौन बना था? करंट के आए होंगे दो तीन क्वेश्चन। करंट का यही आया था 2023 में फरवरी का। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन बना है फरवरी में? अच्छा, और सौराष्ट्र का किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीती है ट्रॉफी बस रिसेंटली वाले। अच्छा, जैसे कि मैथ के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, तो 15 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं लगभग? एक तो आ रहे हैं नंबर सिस्टम से आ रहा है, और स्पीड टाइम एंड स्ट्रीम से आ रहा है। आपका मीन आता है, एवरेज वाला, एवरेज में दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटेज के आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का आ रहा है एक दो क्वेश्चन, मतलब बिलो 8th क्लास से ऐसा ही आ रहे हैं दो क्वेश्चन। 8th क्लास में फ्लेवर से वही आ रहा है, बेसिक आ रहा है वो। अच्छा, आपको बताइए, परीक्षा 26 अप्रैल तक चलने वाली है, तो आगामी डेज में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कहाँ से पढ़े जिससे वो भी अच्छा स्कोर कर सके? कुछ नहीं है, रोजगार में अंकित के गागर में सागर देख लो, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा भैया, ये बताओ पहले तुम्हें बताइए कि पहले ये भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत फिजिकल से होती थी, इस बार एग्जाम से हो रही है, वो भी ऑनलाइन, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इस बार ये ज्यादातर बच्चों को पास किया जाएगा, सभी बच्चों को फिजिकल को बुलाया जाएगा, कम से कम 70% बच्चे बुलाए जाएंगे। नहीं, आप सेटिस्फाइड है इससे? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं है, ये पहली बात तो ये 4 साल के लिए गलत की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब जो पहले जैसा जुनून नहीं रहा है, जुनून। और जो पहले जो आर्मी का जो गेटअप होता था, उन्होंने खराब कर दिया, पूरा कर दिया। आपने कितने क्वेश्चन किए? 47। रनिंग की टाइमिंग क्या आपकी? रनिंग तो अभी की नहीं है, टेस्ट दे रहे हैं, एसएससी की तैयारी। आपने कितने किए? मैं ये मजे में देने आया, मेरा तो रिलेशन है, फिर भी मैं रैली का देने आया हूँ। रनिंग की क्या टाइमिंग? रनिंग की तो मेरी ये 6:30 के आस पास है। आपकी क्या है भैया रनिंग की? 5:20। और कितने क्वेश्चन किए? 42। आपने कितने किए भाई? मैंने किए थे 47। अच्छा, रनिंग की क्या टाइमिंग है? मैं 4:50। 4:50। हाँ, कभी देखिए भर्ती? हाँ, पहले अभी नहीं देखी, फर्स्ट बार है। अच्छा, पहली बार। तुमने कितने किए थे? 47। रनिंग की क्या टाइमिंग है? 5 बार है। 5 बार है। आपने कितने किए? 41। क्वेश्चन याद है कुछ? बताओ क्वेश्चन बताओ। कालीबंगा कौन से राज्य में पड़ता है? अच्छा, और एक मतलब 2022 में जो कौन सी वाहन है 2022 हो, और जो मतलब का नाम है आगे, मतलब मनुष्य किसी की सहायता से मतलब सांस लेता है, यही क्वेश्चन सही आ रहा है ना। तो चलिए, आज का भी 19 अप्रैल को अग्निवीर जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी फिनिश हो चुका है। अभी तक पैटर्न भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वही युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल से भी आ रहा है, और 2 दिन से मुख्यमंत्री से नहीं आ रहा है, लेकिन कल और आज राज्यपाल से भी आ रहा है। बायोलॉजी में वही आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी चेंजेस ज़्यादा अभी तक पैटर्न में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। हो गया भाई, हो गया, इधर आओ। कितने क्वेश्चन किए? मैंने क्वेश्चन 43। रनिंग की क्या टाइमिंग है? रनिंग की भी टाइम है 5:20। 5:20। अच्छा, तो पहली बार ही ये भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे होंगे आप भी। क्वेश्चन याद है कुछ? याद है। क्वेश्चन बताओ। गवर्नर आया था। अच्छा, और तुम्हारा ये टोंग बंद वो कहाँ है, वैली, हिमाचल वैली, वो आया था। अच्छा, और पीर पांजाल की आई थी x=y, वो ओरिजिन पे किस पे काटेगा, वो क्वेश्चन आया था मैथ में। अच्छा, और तुम्हारा 2 क्वेश्चन रेशियो के आ रहे हैं बहुत सरल, स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछने वाले, कोई ज्यादा वैसा खास। एलसीएम का एक आया था 70-75-35 वाला, उसका एसीएफ क्या होगा आंसर, उसका 35 आ रहा था, कोई ऐसा हार्ड नहीं। और साइंस में क्या क्या आ रहा है भाई?
साइंस में नॉर्मली बायोलॉजी दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा कोई सरल मतलब कठिन नहीं आ रहा। जो बच्चा टेंथ तक ठीक से पढ़ा होगा नॉर्मली कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आगामी डेज में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहो? उनके लिए कुछ नहीं कहना, ज्यादा ऐसा नहीं है करंट पर ध्यान देना, करंट के ऊपर बच्चा फोकस कर रहे हैं समय, करंट से एक दो क्वेश्चन दिख रहा है, ज्यादा नॉर्मली टेंथ की एनसीईआरटी पढ़ ले कोई, सफिशियंट है वहीं से, मोर देन सफिशियंट है वो। क्या कह रहे हो भैया? आधा घंटे पर डे कितने किए आपने? मैंने किए 43 लगभग। कितने पर तुक्का लगाया है और कितने श्योर है? 43 भी सही है, सभी श्योर है सभी पे। तो इससे पहले कभी दिया है ऑफलाइन जब एग्जाम होता था अग्निवीर का? नहीं नहीं, कभी नहीं दिया, पहली बार ही दिया है। तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की? एक महीना हुआ होगा मुश्किल से। एक महीने तो आपने प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे, तो लगभग क्या स्कोर आता था वहाँ पर? पूरा आता था, ऑल पूरे जितना किया सब। अच्छा भैया, जो प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है, जो प्रैक्टिस सेट में जो लेवल दे रखा है एग्जाम का, अगर उनका कंपेयर इस एग्जाम से किया जाए तो कितना अंतर है आपके? बहुत अंतर है, पेपर बहुत ईजी है उनके मुकाबले। अच्छा, जो प्रैक्टिस सेट है वो हार्ड है? हाँ, ये ईजी है, बिल्कुल ईजी आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो आगामी डेज में अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, करंट तैयार कर लो अपनी थोड़ी बहुत, और केमिस्ट्री आ रही है बस जीके में, वो जीएस में। यानी कि ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है? ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, आज भी लगभग कैंडिडेट ना मोस्टली वही है जो 17-18 को जो एग्जाम का लेवल रहा है, आज भी सेम वही रहा है, कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है, जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। 26 अप्रैल तक कंटिन्यू प्रत्येक शिफ्ट का एग्जाम सेंटर पर आके हम लाइव रिव्यू दिखाते रहेंगे, तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।